हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सलवार की दो प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सलवारों में और बहुत ज़्यादा कमेंट भी मुझे आते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है कि जो सलवार का जो हमारा फ्रंट रहता है, मतलब कि जो क्रीस रहती है, वो साइड में क्यों चली जाती है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है कि सलवार पीछे से क्यों उठती है, एड़ियों के साइड से वो ऊपर क्यों हो जाती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना, बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का भी एक व्लॉगिंग चैनल है जिसमें वो व्लॉगिंग करती है, और उसमें आप मुझे देख सकते हो, मेरी पूरी फैमिली को देख सकते हो। तो उसके चैनल का नाम है सिंपली सिफ्ती, और मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चैनल के लिंक दे दूँगी, तो आप उसे भी ज़रूर देखना, बहुत अच्छे व्लॉग बनाती है, और उसको सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये छोटा सा डेमो पीस आपके सामने इस तरीके से सलवार का कटिंग करके रखा है, जैसा कि हम बड़े सलवार पे भी कटिंग करते हैं। ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये हमारा नीचे पोंछे का साइड हो गया, और ये आसन का साइड हो गया यहाँ पर, और ये ऊपर जहाँ पे बेल्ट जॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसको खोलूँ, तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बताया है कि सलवार साइड में क्यों जाती है, जो कि क्रीस हमारा बिल्कुल फ्रंट में आना चाहिए सलवार हमारे पैरों में, वो साइड में हो जाती है। तो क्रीस मतलब कि ये हमारा जो आप देख रहे होंगे फोल्ड साइड, ये ही हमारा फ्रंट में आता है क्रीस के तौर पर। तो जब हम सलवार पहनते हैं तो ये साइड में चला जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स इसकी। तो इस तरीके से मैंने सलवार को सिला हुआ, जैसे कि हम आसन से ज्वाइंट करते थे, उसके बाद हम प्लेट लगाते हैं। तो ये प्लेट लगाऊंगी मैं अभी, आप देखना क्या आप गलती करते हो जो कि ये साइड में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम प्लेट लगाते हैं इस तरीके से, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने चार प्लेट अभी लगाई, अब आपको एक प्लेट ये पकड़नी होती है, आप क्रीज देख रहे होंगे ना, जो कि हमारी फ्रंट में आती है, इसको भी पकड़ना है और आपको प्लेट लगानी है। अब यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलती कहाँ से हो जाती है कि आप ये वाली क्रीज वाली प्लेट ज़्यादा साइड में कर देते हैं, मतलब कि यहाँ तक कि जैसे हमारी प्लेट हो गई, इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको ये प्लेट दे के रुक जाना है। अगर आपकी और प्लेटें बनती हैं तो और भी लगाते जाना है, पर कोशिश करें, जैसे कि ये हमारा आसन का सेंटर है, तो यहाँ से लेकर इंची टेप से नापिए, तो ये आपका 6-7 इंच पर ये क्रीस वाली प्लेट आनी चाहिए। अगर ये आपकी 9-10 पर आ रही है तो वो आपकी साइड में ही जाएगी। अगर आप पतले हैं तो ये आपकी 5 या 6 पे आनी चाहिए, थोड़ा हैवी साइज है तो 7 से 8 भी आ सकती है ये वाली प्लेट, यहाँ से 7 से 8 भी आ सकती है। तो सिर्फ इसका यही एक प्रॉब्लम है कि ये आप ये वाली जो प्लेट है ज़्यादा साइड में कर देते होंगे, ज़्यादा गैपिंग पे कर देते होंगे, 9-10 की गैपिंग पे कर देते होंगे, इसीलिए ये आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं एक सलवार उठाती हूँ अपनी, तो फ्रेंड्स ये वाला जो मैंने आपकी क्रीज की बात करी थी, यही मेरी प्लेट है, आप देख रहे होंगे तो पोंछे तक, ये देखिए यही वाली प्लेट है बिल्कुल पोंछे तक, और ये वाली प्लेट मैंने लगाई हुई है कम से कम ये जो हमारा आसन वाला साइड है, यहाँ से तकरीबन आपका हैवी साइज है तो 7-8 के अंदर ही होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा 7.5 के अंदर ही मैंने ये प्लेट दिया, और ये बिल्कुल फ्रंट में आता है, मेरे को इसमें सलवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साइड में जा रही है। अच्छा, अब यही प्लेट जो है मैं यहाँ पर दे देती, ये वाली लास्ट की प्लेट कर देती इसको, तो ये भी मेरी साइड में जाती है। तो सिर्फ यही इसकी एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप थोड़े से पतले हो तो ये 5 या 6 की डिस्टेंस पे ये प्लेट होना चाहिए, अगर थोड़े हैवी हो तो 7 से 8 के अंदर ये डिस्टेंस होना चाहिए ये वाली क्रीस वाली प्लेट का। तो सिर्फ यही कारण है इसका, इसको मैं हटा देती हूँ। और बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि हमें सलवार जो है बैक से क्यों उठती है। तो फ्रेंड्स, इसका भी बहुत ही आसान एक रीज़न है, अगर आप इसको देख पाएँ तो।
तो फ्रेंड्स सलवार का क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम कटिंग करते हैं, जब हम कटिंग करते हैं तो हम ऐसा कोई ध्यान नहीं रखते हैं सलवार में कि बैक अलग या फ्रंट अलग, हम फ्रंट और बैक दोनों सेम ही कटिंग करते हैं, कोई इसमें डिस्टेंस नहीं होता। पर आपने पैंट का अगर देखा हो तो पैंट में क्या होता है, हम बैक साइड जो है ऊंचा रखते हैं थोड़ा फ्रंट साइड से, अपना जो बॉडी का होता है बैक साइड ज़्यादा होता है, अगर आप हिप वाला साइड देखेंगे तो वो ऊंचा होता है, अगर वहाँ से कपड़ा गुजर कर नीचे तक जाता है तो वो पीछे से तो ऊँची होनी है। तो आपको सलवार में दो काम करने हैं जो कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला क्या काम करना है, तो हमारा बैक साइड जो है ज़्यादा ऊंचा होता है और फ्रंट साइड जो है हमारा प्लेन होता है, मतलब सपाट होता है, तो फ्रंट साइड तो हमारा लटक जाता है पोंछे का और बैक साइड जो है वो पीछे से ऊंचा हो जाता है जो आपकी हिप की वजह से। अच्छा ये भी है आपका कि हर उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, हर सलवार में आपने कभी नोट किया हो तो किसी का जो हिप साइज होता है ज़्यादा हैवी होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है, दो काम करने रहेंगे। सबसे पहला सलवार में, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पे एक सलवार ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि हम फोर फोल्ड करके कटिंग करते हैं उसी में आपको बदलाव करने हैं। तो ये ऊपर का पार्ट जिसमें बेल्ट जॉइंट होता है, ये हमारा फोल्ड साइड और ये हमारा पोंचा, यहाँ से हमारा आसन ये पोंचे से यहाँ पे मिल गया। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हमारा पोंचा हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड जो क्रीज बनती है इसी की बनती है और ये हमारा जो बैक साइड में ऊंचा हो जाता है यहाँ से जॉइंट होता है। अच्छा अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो आप रियल सलवार लेंगे उसमें आपको हाफ इंच बढ़ाना है, इसमें तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, यहाँ से हाफ इंच बढ़ाना है, पूरा आपने सलवार नाप लिया, अब यहाँ से सिर्फ आपको हाफ इंच बढ़ाना है और इस वाले पॉइंट से आपको इस तरीके से मिला देना है। सलवार में आपको ये काम करना रहेगा कटिंग के दौरान, जब कट कर रहे हो इस चीज़ को आपको बढ़ा देना है हाफ इंच। और फ्रेंड्स सलवार में आपने ये काम किया, हाफ इंच यहाँ से बढ़ाया, इसी पॉइंट से मिला दिया तिरछा। बेल्ट में भी आपको एक काम करना है, जैसा कि ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा बेल्ट पड़ा है और डबल फोल्ड से पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है हमारी सलवार की चुन्नटें अटैच हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, सिर्फ आपको बेल्ट में ये काम करना है, डबल फोल्ड से बेल्ट को करना है, मतलब कि जैसे कि आप उसका नेफा भी बन जाए, पूरा नेफा भी बन जाए उसका। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमारा फ्रंट साइड है मतलब नेफे की साइड है, तो इसको आप सेंटर इसका निकालना है आपको, इतना सेंटर निकल गया। अब आपको क्या करना है, फ्रंट साइड से एक इंच आपको ऊपर जाना है और इसकी इस तरीके से तिरछे में कटिंग कर देनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा फ्रंट साइड छोटा हो जाएगा, मतलब कि एक इंच आपने ये इसको कट कर दिया बेल्ट को नीचे से और यहाँ से तो उतना ही रहेगा। तो ये क्या होगा कि जो आगे से लटक जाता है आपका सलवार वो नहीं होगा और बैक से भी बिल्कुल सही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही कारण थे, आई होप कि आपको समझ में आए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं जल्दी से रिप्लाई करती हूँ। और जब वीडियो अपलोड होती है उसी वक्त आप कमेंट किया करें ताकि उसी वक्त जो है मैं एक्टिव रहती हूँ, कमेंट के जवाब भी देती हूँ जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आई हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।